बांका में भी पीएम केयर्स ऑक्सीजन प्लांट व दीदी की रसोई का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका में भी रिमोट द्वारा पीएम केयर्स ऑक्सीजन प्लांट और दीदी की रसोई का उद्घाटन किया। बांका के सिविल सर्जन सुधीर कुमार महतो ने कहा कि पहले ऑक्सीजन के लिए भागलपुर जाना पड़ता था, रोगियों को काफी दिक्कत होता था। अब ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं होगी तथा पाइप द्वारा ही हर कमरे में ऑक्सीजन चला जाएगा मरीजों को। वहीं जीविका के जिला परियोजना पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा, अस्पताल में मरीजों को दीदी द्वारा शुद्ध एवं गुणवत्ता पूर्वक भोजन मिलेगा। मरीजों के साथ आने वाले अभिभावक एवं अटेंडेंट को भी कम दाम पर भोजन मिलेगा। अस्पताल से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तथा 8 दीदियों को इससे रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। जो लाभ मिलेगा, जिसके लिए हम लोगों को ऑक्सीजन के लिए भागलपुर जाना पड़ता था या फिर चार्जर वगैरह जाना पड़ता था, तो हम लोगों का डायरेक्ट पाइपलाइन से सप्लाई होगा और मरीज को डायरेक्ट भोज देंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बांका जिले के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि। संजय कुमार, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका बांका। बांका जिला में दीदी की रसोई खोला गया है। इसमें हर एक प्रकार के मरीजों को खाने का उपलब्ध और सही खाना खिलाया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रजौन में आज कोविड 19 का टीका लगवाने को लेकर लंबी कतार देखी गई, जो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक लगी रही। लेकिन जिला मुख्यालय से कोरोना वैक्सीन मात्र 500 डोज ही दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण गार्ड से ही चिट्ठा कटाई जा रही थी। वहीं दूसरी ओर अंदर में बैठे एमपी स्टाफ सिंटू कुमार ने बगल की खिड़की से पैसे लेकर लोगों को चिट्ठा दे रहे थे। ये कितना उचित है आप दर्शक ही बताएं। वहीं ये सब होता देखकर लोगों में भगदड़ मच गई और लोगों ने विरोध भी किया और कहा कि पैसे क्यों लिया जा रहा है। ये सारे घटना देख एमएम न्यूज के संवाददाता ने रजौन थाना प्रभारी को फोन किया। वहीं थाना प्रभारी बुद्धदेव पासवान एवं एसआई राजीव रंजन अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को शांत कराते हुए सभी को कतारबद्ध किया। अच्छा, क्या आप लोग को परेशानी है? परेशानी है, आगे लाइन में खड़ा है, यहाँ पीछे से दे रहा है पैसा लेके। आपको 25 रुपया देता है, 30 रुपया देता है, कितना मांगता है? तो वही बोल रहे अमरपुर प्रखंड के बैजुड़ी पंचायत में किसान का धान का फसल बारिश के पानी के कारण डूब गया है। आक्रोशित किसानों ने सरकार का विरोध खेत के पानी में ही खड़े होकर किया। किसान ने बताया कि हम लोगों का 50 बीघा खेत पानी में डूब गया है। इस खेती में सभी किसानों का मिलाकर लगभग 4 लाख रुपया खर्च हुआ है, जो अब पानी बहने को है। अगर पानी की निकासी हो जाए तो हम लोगों का फसल बच सकती है, नहीं तो फसल नष्ट होना तय है और हम सब किसान भूखे मर जाएंगे। मौके पर पीताम्बर झा, मोहम्मद सईद, पंकज झा, प्रशांत झा, संतोष मिश्रा, विकास झा, अमरेंद्र झा, मोहम्मद शमसुल, मोहम्मद शेरू आदि किसान भाई मौजूद थे। खनाई हो गया है और जिस जगह गांव है, टर्निंग है, उस पुल में मकान बना दिया है और पुलिया अपना पर्सनल बना दिया है। वो पुलिया के कारण हम लोग के खेत का पानी रुका हुआ है, खेत में पानी निकलबे नहीं करता, बस यही कारण है सर। आपका नाम क्या हुआ? पंकज कुमार। आपका प्रॉब्लम क्या है? की नाम बोला तोराबर था। समस्या की जा पूरा पानी डूबी गया, सब रोपो होलो और जो कुछ नहीं हो जाए ओकरा रोपे नहीं पारे छे, बिहान वन से बात ले। पानी कैसा इलाका था? पानी वहाँ वहाँ गुलाली डाँड अवरुद्ध थे, जो इंक्रोच कर लेते थे। यहाँ जे 92 में राइट के टाइम आज वहाँ इंक्रोच कर दो रहा अवरुद्ध कर लेते थे, जिसके कारण जो हमने निकास के पानी रहा यहाँ पानी गली डल।
अमरपुर थाना क्षेत्र के डुमरामा गांव में एक 4 वर्षीय बच्चे को स्टार बस ने धक्का मार दिया। आक्रोशित लोगों ने सड़क को किया जाम। बताया जा रहा है कि अमरपुर थाना क्षेत्र के डुमरामा गांव में 4 वर्षीय कुमार ऋषभ अपनी मां के साथ डुमरामा स्थित स्कूल की तरफ जा रहा था। इसी क्रम में अमरपुर की ओर से आ रहे स्टार बस ने धक्का मार दिया, जिससे कि 4 वर्षीय ऋषभ कुमार पूरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी को आनन फानन के साथ रेफर अस्पताल अमरपुर लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज कर गंभीर स्थिति को देखते हुए मायागंज रेफर कर दिया गया। मायागंज में भी स्थिति लड़के का गंभीर बताया जा रहा है। इधर आक्रोशित डुमरामा गांव के ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और स्टार बस के शीशे को चकनाचूर कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उचित मुआवजा दिया जाए। मौके पर अमरपुर थाना प्रभारी मोहम्मद सफदर अली, ASI रामविचार सिंह एवं बसंत यादव अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया और सड़क जाम को तोड़वाया एवं स्टार बस को अपने कब्जे में लेते हुए थाना परिसर लाया। इसलिए सर यहाँ ब्रेकर होना बहुत जरूरी है। स्कूल है, डॉक्टर है, रोगी आता है, यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। हॉस्पिटल भी इसी तरह धड़कन पड़ा है। पैसा सरकार का डुमरामा नाम पर खाता है, हॉस्पिटल खाली घंटा जाता है, कोई डॉक्टर नहीं है। अभी अमरपुर प्रखंड के ताड़ी पंचायत की मुखिया अशोक यादव एवं अन्य पंचायत के मुखिया ने बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल जीवन हरियाली को देखते हुए वृक्षारोपण का कार्य किया। ताड़ी पंचायत के मुखिया अशोक यादव अपने पंचायत के लोगों के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया एवं लोगों को वृक्ष लगाने के लिए जागरूक भी किया। अमरपुर थाना क्षेत्र के जैष्ठगौर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा भोलेनाथ की श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के द्वारा भोलेनाथ को जल चढ़ाते नजर आए। हालांकि कोरोना वायरस को देखते हुए प्रशासन की तरफ से मंदिर में तालाबंदी कर दी गई है, लेकिन श्रद्धालु मंदिर परिसर के गेट पर ही जल चढ़ाने चले आए। मौके पर ग्राम रक्षा दल के लोगों के द्वारा मंदिर परिसर के बाहर ही श्रद्धालुओं को कतार में खड़ा कर जल चढ़वाया गया। तारडी में नवनिर्मित शिव पार्वती मंदिर में प्रातः में पूजा अर्चना कर ग्रामीणों ने सोमवार रात्रि को बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार पूजा भी किया। मौके पर सुबोध यादव, अशोक यादव आदि श्रद्धालु मौजूद थे। बताया जाता है कि भोलेनाथ का श्रृंगार पूजा करने से बाबा भोलेनाथ की कृपा से सबों की मनोकामना पूरा हो जाती है एवं कालों के काल महाकाल की कृपा से काल भी आने से डरते हैं। बाबा भोलेनाथ की श्रृंगार पूजा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा पूजा माना जाता है। बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार पूजा ऋषि मुनि भी किया करते थे एवं ऋषि मुनि कहते थे कि बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार पूजा करने से लोगों के सारे कष्टों को बाबा भोले ही हर लेते हैं। बांका के विधि व्यवस्था पर उठ रहा है सवाल। एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं अपराधी, मामले में पुलिस विफल। इन दिनों बांका की विधि व्यवस्था गिरती नजर आ रही है, एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन खुली हवा में नींद मारने की वजह अपराधी शहर में बैकऑफ हो गए हैं। ताज़ा मामला चानन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जब रात्रि थाना से महज 500 मीटर दूरी पर सड़क के किनारे कपड़ा व्यवसायी की दुकान में चोरों ने लाखों रुपये का सामान उड़ा दिए। सुबह होते ही जब दुकान मालिक का नींद खुला तो वह हैरान रह गया। उन्होंने देखा गेट का ताला टूटा हुआ, दुकान खाली है। उससे वह दंग हो गया। आनन फानन में दुकान मालिक अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि बीते रात चानन बाजार निवासी मनीष चौधरी बाजार दुकान स्थित ओम वस्त्रालय नामक दुकान से चोरों ने हाथ साफ किया है। सूत्रों के अनुसार पूर्व जिला छात्र जदयू नेता रजत सिन्हा के मकान में एक चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें चानन पंचायत के नावाडिग गाँव के राजेश पुरी को चानन थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं थाना प्रभारी रविशंकर ने कहा पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
चांदन प्रखंड में शनिवार को हुए वज्रपात से मृत परिवार से मिले बेलहर के विधायक मनोज यादव। चांदन प्रखंड के बिरनिया पंचायत के लोड़ीटार और जमली गांव में वज्रपात के दौरान लोड़ीटार में दीपक कुमार और उसकी भाभी रेखा देवी की मौत से पूरे गांव में मायूसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच सोमवार को बेलहर विधायक मनोज यादव द्वारा लोड़ीटार और जमली गांव में जाकर मृतक के परिवार के साथ अन्य चार जख्मी महिला के परिवार वालों से मिलकर उन्हें इस दुख की घड़ी में हिम्मत से काम लेने को कहा एवं बेलहर विधायक मनोज यादव ने 4 लाख रुपए के चेक देते हुए संतावना दिलाए। साथ ही पूरे गांव के लोगों ने इस घटना की पूरी दास्तान से विधायक को अवगत कराया। वहीं विधायक ने उसी गांव से सभी पदाधिकारियों से बात कर जल्दी से जल्दी आपदा की 4 लाख की राशि भुगतान करने की बात कही। साथ ही सभी जख्मी महिलाओं को भी इलाज के लिए सरकारी लाभ दिलाने का भरोसा दिया है। डबल इंजन की सरकार में पेपरों पर हो रही है कार्य। मामला चांदन प्रखंड के बिरनिया पंचायत के छबेला गांव पुजार टोला की है, जहां आजादी के बाद से ही ना तो गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का रास्ता है और ना ही नल जल की सुविधा। एक तरफ सरकार कह रही है हर एक गांव तक और हर एक घर तक पानी, बिजली और रोड पहुंचा दी गई है, वहीं दूसरी ओर चांदन प्रखंड के छबेला गांव में ना तो रोड है और ना ही बिजली पानी। बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगा दी गई है लेकिन सप्लाई नहीं दिया गया। लोग कीचड़ में चलने को और अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। कोई समस्या आने पर खाट से उठाकर प्रसव बीमारी व्यक्ति को ले जाना पड़ता है और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि का कहना है वह गांव हमारे पंचायत में नहीं है, इसलिए हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि मुखिया को अपने पंचायत में कितने गांव हैं उनको यह पता नहीं हो तो वह कार्य क्या करेंगे। मुखिया के और भी ब्लॉक पदाधिकारी भी अपने चैन की नींद ले रहे हैं और सरकार को पेपरों पर वर्क करवा कर भेज रहे हैं। आखिर आप ही बताइएगा कि इस गरीब मजदूर आदिवासी को देखने वाला कौन है। चांदन प्रखंड के छबीला गांव में धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। प्रखंड क्षेत्र के बिरनिया पंचायत के प्रोन्नत मध्य विद्यालय छबेला के प्रांगण में चूड़ामन पुजार की अध्यक्षता में विश्व आदिवासी दिवस आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ बिरनिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रंजित पंडित ने फीता काट कर किया। मंच का संचालन रवि टुड्डू व जीतन टुड्डू ने किया। वहीं क्षेत्र के आदिवासी नेता डॉक्टर सोनीलाल सोरेन, चूड़ामन पुजार, मुन्ना पुजार, अनिल पुजार, रीतलाल सोरेन, रंजीत सोरेन तथा अभनो पुजार के नेतृत्व में करीब 500 आदिवासी व वनवासी महिला, पुरुष व बच्चे कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उपस्थित महिला व पुरुषों ने सोहराय गीत पर जमकर झूमे तथा प्रोन्नत मध्य विद्यालय छबेला की प्रांगण में सभा में तब्दील हो गई है। आदिवासियों को संबोधित करते हुए बिरनिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रंजित पंडित ने कहा, चुनाव जीतते ही बिरनिया पंचायत के तमाम आदिवासी गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करेंगे तथा उसके उत्थान की काम करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर विधायक प्रदीप यादव पोड़ैयाहाट के सुगावथान में आयोजित समारोह में आदिवासी भाई बहनों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विधायक प्रदीप यादव ने सभी को बधाई व शुभकामना दिए एवं सिद्धो कानों के प्रतिमा पर माल्या अर्पण भी